नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल मतलब लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और वो है कम्युनिकेशन स्किल, जो आपको आनी ही आनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप कहीं पे भी सर्वाइव करते हो वर्ल्ड के कोने कोने में, आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी ही आनी चाहिए। मींस द वे यू टॉक, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, द वे यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर बिहेवियर, योर आइडियाज, इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ये सारे के सारे पार्ट है कम्युनिकेशन के, ठीक है जी। अब देखिए, एक वहम बना दिया गया है हमारे माइंड में, वो ये है कि यार इंग्लिश इज द की टू कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, नहीं तो फिर आप ठन ठन गोपाल हो। ऐसा कुछ भी नहीं यार, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज माई फ्रेंड, इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में क्या जरूरी है, वो है एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज भी ज़रूरी नहीं है कई कई जगहों पर, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कभी कभी लोग इशारों में बात कर लेते हैं, कभी कभी लोग अपने आँखों में आँखें डाल के बात कर लेते हैं, राइट, करते हैं ना, और हो जाता है, बातें हो जाती हैं। अब जैसे कि मान लो एक बच्चा गया खेल कूद के घर पे आया, ठीक है, घर पे आ गया, अब मम्मी ने देखा और उसने देखा, बस हाँ मम्मी समझ गई कि यार इसको भूख लगी है, तुरंत लेके आ गई, इसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपकी इमोशंस, सारी चीज़ें, समझ रहे हो आप। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी के साथ बैठे हो और बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सामने वाला बंदा समझ जाता है आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी थॉट्स को, आपकी इमोशंस को, कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या बताना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, वो समझ जाता है। दैट इज रियल कम्युनिकेशन, वो रियल कम्युनिकेशन है एक तरीके से बोला जाए तो। रियल कम्युनिकेशन हैपेंस इन साइलेंस, तो वो है कम्युनिकेशन माय फ्रेंड। इंग्लिश का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सभी को क्या लगता है कि यार इंग्लिश आनी चाहिए तभी हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। मैं भी जब आई थिंक 11th 12th में था तब तक मेरी मेंटेलिटी इतनी बेकार थी कि मैं मतलब सोचता था यार कि इंग्लिश आनी चाहिए, अगर इंग्लिश नहीं आ रही है देन यू आर नॉट अ कम्युनिकेटर, देन यू डोंट हैव एनी गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल मतलब घटिया है, बेकार है, सड़ियल है। अगर इंग्लिश आ गई आपको देन यू आर गुड एट एनीथिंग, ऐसा नहीं है भाई, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। अब कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करें, अब देखिए इम्प्रूव करने के लिए आपको बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, समझ रहे हो आप, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ में, चाहे वो ये लाइफ का एक, ये वर्ल्ड का एक फंडा है या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, फंडा ही है, फैक्ट है कि आप जितनी ज़्यादा बातें करोगे, वो नहीं फालतू की बातें नहीं कि कुछ भी बात करने लगे उसके बारे में बुराई करने लगे, तो वे यू स्पीक, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कितनी पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके अंदर, वो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है। आप कहीं पर भी जाते हो आप बात करना स्टार्ट करो लोगों से, आप सब्जी लेने के लिए गए दुकानदार से बात करो, उससे बात करोगे और मुंह बना के चले रहो, कहीं पे भी जा रहे हो आप मुंह उठा के एकदम बोलते हैं ना अकड़ू कि मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं शहंशाह सूरी का पोता हूँ, यार बात करना स्टार्ट करो। जब तक आप बात नहीं करोगे देन नो लॉन्गर यू आर नॉट गोइंग टू बी गुड एट कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, दैट्स माई ओपिनियन, कि आप नहीं होने वाले। कितनी भी आप चाहे बुक पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप वीडियोस देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप कम्युनिकेटर एक अच्छे तभी बन पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बातें करोगे एक वे में, जो वे होती है एक कला, जो बोलते हैं ना एक कला है कि बहुत कम लोगों की आती है, कि यार अपनी बातों से सामने वाले बंदे को कैसे इम्पैक्ट किया जाए, और जो बोलते हैं वो दौड़ते हैं, समझे मेरे दोस्त। तो बोलना सीखो, इंग्लिश का रोल नहीं है, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हमारे अंदर मतलब एक ना एक अजीब सा ही वहम बना के रखा है, पर्सनालिटी मतलब उनकी है जो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, वो पर्सनालिटी उनकी अच्छी है। पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड द वे
यू बिहेव विद अदर्स, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर कैसी है, आपकी सारी चीज़ें यार, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सम अप करके बोला जाए तो सम अप है, इसमें सारी चीज़ों का ना मतलब एक इम्पोर्टेंस है, एक योगदान बोल सकते हो, सारी चीज़ों का योगदान है कि यार आप किस चीज़ में कितने अच्छे हो, तो वो सब मिलके एक पर्सनालिटी बनती है, फिर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हो, ऐसे डेवलप होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी स्किल डेवलप करनी है भाई तो इसको प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर गुड यू विल बिकम एट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू माई फ्रेंड, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।